अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड देखिए, क्लोज इंटीग्रल सी ई की पावर 2z अपॉन z माइनस 1 की पावर 4 है, z माइनस 1 की पावर 4 है, वेयर सी इज द सर्किल मॉड z इज इक्वल टू 2। अब देखिए मॉड z इज इक्वल टू 2 है, अब इमेजिन करिए मॉड z इज इक्वल टू 2 का मतलब है रेडियस 2 है लेकिन z 1 है, यानी माइनस 1 जो है वो अंदर आएगा, यानी z के प्लेस पे अगर माइनस 1 रखेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट है, और माइनस 1 अंदर आ रहा है इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है, फॉर्मूला लगेगा लेकिन नीचे 4 है तो यानी f की पावर 3 a इज इक्वल टू दी फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस a की पावर 4 dz। तो इसको अरेंज कर देंगे यानी a की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो इस तरीके से आपका a t की पावर माइनस 2 होगा। और बार बता दी, हाँ चलिए सेकंड पार्ट भी बता दीजिए कहाँ पे बेटा। कहाँ पे दिक्कत हो रही है हमको बताइए सर, ये z प्लस 1 इक्वल टू 0 कैसे है? अरे बेटा यहाँ पे z 1 0 इसलिए है क्योंकि हमको यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि वो 1/0 ना आ जाए, यानी z की वैल्यू क्योंकि हम ये कायदे से आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आपका क्लोज इंटीग्रल c e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 dz, और जहां पे आपका मॉड z इज इक्वल टू 2 है। देखिए क्वेश्चन हम करके आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे ये मॉड z इज इक्वल टू 2 है, यानी ये सर्किल हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड z इज इक्वल टू 2, यानी इसकी रेडियस क्या है 2 है। तो यहाँ पे z प्लस 1 है, z प्लस 1 यहीं से निकालते हैं 1/0 इस पे नहीं आ रहा, यानी z की वैल्यू अगर माइनस 1 पुट कर दे,
अगर हम z की वैल्यू माइनस वन अगर हम पुट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वन अपॉन जीरो, यानी फंक्शन एफ जेड इज नॉट ए रिलेटिव। समझ रहे हैं, समझ गए हैं? तो z इज इक्वल माइनस वन कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, यानी ये सर z इज इक्वल टू माइनस वन सर कहाँ से पुट करेंगे, अपने आप से सर जीरो बनाने के लिए पुट करना होता है क्या? हाँ, वो जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस a, नीचे z माइनस a आता है, तो उसी से लेते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं एनालिटिक फंक्शन तभी नहीं होगा जब वो एग्जिस्ट ना करे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब एनालिटिक फंक्शन है, तभी कंटिन्यूअस होता है। तो एग्जिस्टेंस कहाँ पे नहीं होगा, माइनस वन पे नहीं होगा, क्योंकि माइनस वन रखने पे जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, और माइनस वन जो है जेड इसके अंदर आ रहा है, सर्किल के अंदर, इसलिए क्लोज कर्व जो सी है ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। क्यों, इस पॉइंट की वजह से, इसलिए एनालिटिक फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए ये फार्मूला है, क्या है, एफ एन ए इज इक्वल टू दी फैक्टोरियल एन अपॉन, क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आई, और ये क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड, ये है, ये तब लगेगा जब एनालिटिक फंक्शन ना हो। अब यहाँ पे क्या है, अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा क्या, पता चलेगा कि एफ जेड क्या है, एफ जेड है e की पावर टू जेड, और इसके अकॉर्डिंग फोर है यहाँ पे, तो इसका मतलब n प्लस वन है, यानी n की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, यानी इसको जब इसमें तब्दील करेंगे तो हो जाएगा f की पावर थ्री ए, यानी थ्री का मतलब ट्रिपल डैश, थ्री का मतलब ट्रिपल डैश इज इक्वल टू दी फैक्टोरियल थ्री अपॉन टू पाई आई, और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल c e की पावर टू जेड अपॉन z प्लस वन की पावर फोर, यही तो होगा। तो अब यहाँ पे एफ जेड आई की पावर टू जेड, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, टू ई की पावर टू जेड, एफ डबल डैश जेड क्या होगा, फोर ई की पावर टू जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड क्या होगा, एट ई की पावर टू जेड। अब जेड के प्लेस पे क्या रखेंगे, जेड के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस वन, क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन है, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट ई की पावर माइनस टू। तो ये आप जब ये ए के प्लेस पे माइनस वन है, ये इधर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा एफ डबल डैश माइनस वन इंटू टू पाई आई अपॉन सिक्स, तो ये हो जाएगा आपका टू थ्री जा सिक्स, यानी हो जाएगा एट पाई आई e की पावर माइनस टू, एट पाई आई e की पावर माइनस टू अपॉन थ्री, ये आया, समझ में आया। ये जब एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा तब ये फार्मूला लगता है, इसको कंपेयर करते हैं। सर जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है फंक्शन, एनालिटिक नहीं होता,
सर उसी के लिए फार्मूला लगाते हैं ना, जिसपे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मान लेते यही न्यूमेरिकल है, सपोज दैट यही न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसी न्यूमेरिकल में अगर मान लेते हैं हम ये कर देते जेड ये माइनस वन अंदर है, तो मान लेते हम ये इसको लिख देते जेड प्लस टू, यानी माइनस टू हो जाता, ठीक है, और या इसको हम थ्री लिख देते, इसको लिख देते वन, एक मिसाल के तौर पे जेड इज इक्वल टू वन हो जाता और ये जेड प्लस टू, तो ये बाहर चला जाता। जब ये बाहर चला जाता तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम जीरो लिख देते। इसी न्यूमेरिकल को हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लेते हैं लिखा है क्लोज इंटीग्रल सी ई की पावर टू जेड अपॉन जेड प्लस टू की पावर फोर, और लिखा है मॉड जेड इज इक्वल टू वन। जब हम इसको बनाएंगे तो ये वन है, लेकिन इसकी वजह से ये बाहर चला गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया बाहर, तो अब यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ गए हैं? और अगर ये पॉइंट अंदर होगा यानी जब एनालिटिक फंक्शन नहीं है तब ये फार्मूला लगेगा, और अगर एनालिटिक फंक्शन है यानी वो बाहर पॉइंट है तो जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, जो कि अभी इससे पहले एक न्यूमेरिकल में हमने बताया है। यस सर, वो ये चीज हमने बताई है, वो ये चीज बताई थी कि अगर ये बाहर है तो जीरो है, अगर या जीरो होगा या नहीं जीरो होगा, जब नहीं जीरो होगा तब ये वैल्यू आएगी जो हमने है। समझ गए हैं? यस सर, यस सर, अब क्लियर हो गया है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, बहुत क्वेश्चन होगा ये तो प्रैक्टिस अरे इतना ही सर, 12 हो चुका सर, बहुत सर, साढ़े बारह सर, रोजे में हालत खराब हो जाएगी सर, कैसे पढ़ पाएंगे इतना? जैसा आप लोग बताइए सर, आंधी सर, आंधी सर, बस आई रोजा।